नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो विदाउट माइक के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वॉइस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, उसको मैनेज करिएगा। तो आप सभी लोगों को पता होगा NBSJSA 2022 का जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और उस रिजल्ट से संबंधित बात करने वाला हूँ। कुछ डाउट हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, वही जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दो लिस्ट पब्लिश की गई हैं, एक ही लिस्ट है उसमें अलग अलग जो है दिया गया है। एक 621 की है और एक 479 की लिस्ट अलग है। 479 की वो लिस्ट है, इतने कैंडिडेट को यहाँ पर अभी फ़िलहाल में ये NBS वाले ज्वाइनिंग दे रहे हैं, और बाकी के जो भी कैंडिडेट बचे हैं वो जो है आगे जो वैकेंसी वैकेंट होंगी वहाँ पर जो है उनको कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, बहुत से कैंडिडेट का क्या है कि जो 621 में तो उनका नाम हो गई, अगर सिलेक्शन हुआ है तो 621 की जो लिस्ट है उसमें तो हो गई नाम, लेकिन जो 479 की जो लिस्ट है 479 की, उसमें ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। कई बार क्या करते हैं कैंडिडेट जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या नाम उसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो 621 में तो वो शो हो जाता है उसका नाम, लेकिन वो 479 की लिस्ट में नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपको मैनुअल चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि होता क्या है कि हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है कि अगर इस लिस्ट में दो बार नाम है तो वो दो बार आएगा। ठीक है, एक बार आपने सर्च कर लिया, जब सेकेंड बार फिर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस जो है दूसरी बार आना चाहिए, लेकिन वो दूसरी बार नहीं आता है। बाद में जब आप मैनुअली चेक करते हैं उस लिस्ट में, 479 वाले लिस्ट में, तो आपका नाम मिल जाता है। तो बहुत से कैंडिडेट जो भी सिलेक्शन लिए हैं तो अभी जो 621 की लिस्ट में है और उनको लगता है कि मेरा नाम जो है 479 की लिस्ट में नहीं है, तो एक बार जाके आप उसको मैनुअली चेक करिए, अपना रोल नंबर लिख लीजिए एक पेज पर। ठीक है, और उस रोल नंबर को आप उसमें ढूंढिए, वो 479 की लिस्ट है, क्योंकि जो 479 की जो लिस्ट है वो जो है अलग से है। उसमें क्या हुआ है, उसका प्रिंट निकाला गया होगा, उसके बाद जो है उसको अपलोड किया गया है स्कैन करके। तो स्कैन करने के बाद जो कन्वर्टेड जो PDF होती है उसमें आप जो है कॉपी पेस्ट से सर्च नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है। तो आपको क्या करना है कि मैनुअली वहाँ पर चेक करना है अपने रोल नंबर को देख कर, रोल नंबर देख लीजिए नाम, और बस उस लिस्ट में एक एक करके 479 है, जल्दी ही आपका वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, बाद में उन लोगों को पता चला है, पहले उन्होंने चेक किया एक जो 621 में उनका है, और जब दोबारा उसको सर्च में टाइप किया तो वो दोबारा वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो उनको ये लगा कि जो है मेरा भी वेटिंग ही रहेगा। लेकिन बाद में जब चीज़ें पता चली तो पता चला कि जो 479 की जो 479 की लिस्ट है वो जो है जो PDF है वो कन्वर्टेड PDF है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है आप सर्च नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वहाँ पर जाके आप एक बार और चेक कर लीजिए, शायद आपका 479 में हो। ठीक है, सर्च से नहीं आएगा, आपको वहाँ पर चेक करना होगा अपना रोल नंबर और नाम। नाम आप देखते चले जाइएगा, क्योंकि एक नाम के दो कैंडिडेट हो सकते हैं, तीन कैंडिडेट, चार कैंडिडेट, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो रोल नंबर है उसको, रोल नंबर को आप अपना जो है आप ध्यान रखिएगा। पहले तो नाम आप सर्च कर लीजिए, उसके बाद अपना रोल नंबर मैच कर लीजिए, अगर होगा तो 479 की लिस्ट में नाम जरूर होगा। ठीक है, तो यही अपडेट आप लोगों को देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी कोई चीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।